आधार कार्ड की न्यू पोर्टल लॉन्च हो गया है। अब एक ही जगह से आप जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, पीवीसी कार्ड के लिए आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, पीवीसी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप वेरीफाई आधार कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, इसके बाद लॉक अनलॉक आधार कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं, इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको जो है आधार कार्ड के न्यू पोर्टल पे आपको एक ही जगह से बहुत सारे काम करने को मिल जाता है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप जो है अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी करेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद जो है आपका एड्रेस जो गलत है तो आप अपना एड्रेस को भी करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो आधार कार्ड के न्यू पोर्टल में आपको बहुत सारा जो है वर्क देखने को मिल जाता है। आधार कार्ड के न्यू पोर्टल में आप जो है पहले क्या करेंगे, आपको जो है पहले अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, इसके बाद जो कैप्चा डाल के आपको जो है गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड से लिंक है उस पे ओटीपी आएगा। इसके बाद ओटीपी डाल के ओके करेंगे तो आपका जो है ये जो है ओपन हो जाएगा पोर्टल और इस पे जो है आप ढेर सारा काम कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको पहले बताया हूँ। जैसे कि आप पीवीसी आधार कार्ड के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, नया पीवीसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, पीवीसी कार्ड के स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसके बाद आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वेरीफाई आधार कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, इसके बाद आधार लॉक अनलॉक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको एक ही जगह से बहुत सारे काम करने को मिल जाता है और आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है और वेबसाइट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप न्यू पोर्टल ओपन करेंगे और यहाँ से ही आप जो है सारा काम कर सकते हैं। तो आपको कैसे क्या करना है ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप एक ही जगह से सभी काम को आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से अगर आपका नाम गलती है, डेट ऑफ बर्थ गलती है, ईयर गलती है, आपका एड्रेस गलती है आधार कार्ड में, तो वो सारा करेक्शन आप जो है एक ही जगह से कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे न्यू पोर्टल से ये देखने के लिए भैया आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से सारा काम किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि myaadhar.uidai.gov.in आपको क्या करना है, इस वाले पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर देना है। ऐसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है पोर्टल आपके सामने में ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि ये जो है न्यू पोर्टल है, यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ आधार कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं अप्लाई, यहाँ चेक आधार कार्ड पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखे हैं चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो है लोकेट इनरोलमेंट सेंटर कर सकते हैं, यहाँ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, यहाँ पर UID जो है आप जो फॉरगेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो है आप यहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ आधार वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर वर्चुअल आईडी जो है आप जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो है लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर डालेंगे, ये कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, यहाँ आपके मोबाइल पर OTP गया होगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे OTP डालना है, एक मिनट का टाइम है तो एक मिनट में आपको OTP यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रोसेसिंग अब यहाँ पे चल रहा है और इस पे जो है आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि आप जो है इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इतने सारे जो फॉर्मेट है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑफलाइन EKYC भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है लॉक अनलॉक आधार कर सकते हैं, यहाँ लॉक अनलॉक यहाँ बायोमेट्रिक कर सकते हैं, इसके बाद वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट अगर करते हैं तो उसका हिस्ट्री भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी आप हिस्ट्री रहेगा वो सारे के सारे नीचे यहाँ पे आपको शो होगा,
कि आप जो है कहाँ पे कितना पेमेंट आप जो है कटाए हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद पीवीसी आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस वाल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पूरा एड्रेस आ जाता है। और यहाँ पर देखिए कि आपको दो ही प्रोसेस में यहाँ पर जो है आपका आधार कार्ड जो है पीवीसी आधार कार्ड ये आपका जो है ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी और यहाँ पेमेंट, यहाँ नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वाले की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टर्म को यहाँ पर एग्री करना है और यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होकर आप जो है पेमेंट गेटवे पर ले जाकर यहाँ पर आपको ओपन करेगा। यहाँ पर देखिए आपको कुछ जो है नहीं करना, रिफ्रेश वगैरह इसको जो है आपको ओपन होने देना है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है 50 रुपये का आपको अकाउंट में से कटेगा। और यहाँ पर देखिए कि आप जो है कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट, इसके बाद पेटीएम और UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट करना है उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं यहाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है अपना कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी जो है मंथ ईयर और CVV नंबर डालना है, कार्ड होल्डर का नाम डालना है और यहाँ पर जो है टर्म को एक्सेप्ट करके यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके अकाउंट से 50 रुपये कट हो जाएगा और आपका जो है ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नाम में करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज, और यहाँ डेटा योर आधार पे कर सकते हैं। यहाँ से पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करके आप कितने भी कहाँ कहाँ पेमेंट किए हैं वो आपको यहाँ पे देखिए ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि आपको जो ये पेमेंट ये कहाँ कहाँ किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे सारा आपको शो कर देता है कि आप कहाँ पे किए हुए हैं, कहाँ फेल है, कहाँ पेंडिंग है, वो आपको यहाँ पे सारा कुछ शो कर देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है आप दो ही कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ऑर्डर PVC आधार कार्ड को यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब जो है अभी जो है लॉक है, तो ये सब जो है जैसे ही लॉक जो है ये ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अभी आपको दो ही ऑप्शन यहाँ पर देखिए कि इनेबल हो रहा है, बाकी है इसे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही आप जो है इस पर लॉक लगा हुआ है यहाँ से जो है आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये सब जो है अनलॉक हो जाएगा तो यहाँ से ये सब कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पेमेंट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड जो है PVC आधार कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस ये जो है नया पोर्टल से यहाँ पे आप तीन चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है मैं अपना करेक्शन कर सकते हैं और यहाँ PVC आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब जो है लॉक है, तो यहाँ से जो है आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, PVC और यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लैंग्वेज वगैरह चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे नया पोर्टल में। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपने इस वीडियो में तो ये सीख ही लिया होगा किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप जो है PVC कार्ड के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ आप जो है इसमें सीख लिया होगा कि यहाँ से ही आप जो एक ही जगह से वो सारा कुछ कर सकते हैं आधार कार्ड में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।